हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग भी आईफोन परचेज करना चाहते हैं द बिग बिलियन डे सेल पे, तो आप लोग दोस्तों कैसे ले सकते हो। आप लोगों को बस तीन स्टेप में मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने दोस्तों आईफोन लेना होगा तो दोस्तों आप लोग इन तीनों स्टेप को फॉलो कर लेना, आप लोगों का आईफोन आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आईफोन के लिए बिग बिलियन डे सेल का बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं और यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे एक्टिव रहेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोगों का आईफोन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी आईफोन लेने की सोच रहे हो, आईफोन 10, 11, 12, 13, 14, आप लोग कोई सा भी आईफोन लेने की सोच रहे हो तो कैसे ले सकते हो, आप लोगों को दोस्तों मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि अगर आप लोगों के हाथ से द बिग बिलियन डे सेल पे भी आप लोग अगर आईफोन ना ले पाओ तो दोस्तों कितना ही बुरा लगेगा। अब मैं आप लोगों को जो टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने उस पर काम किया, आप लोगों ने वैसा किया तो आप लोगों का आईफोन आप लोगों के घर आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले अपने आईफोन को चूज करना है। तारीख आने वाली है, 1 तारीख को दोस्तों आईफोन के जो रेट होंगे वो रिवील हो जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा आईफोन 11, 12, 13, 14 आप लोगों को कितने प्राइस तक मिल सकता है, सभी के जो रेट हैं वो रिवील हो जाएंगे। अब आप लोग एक अच्छा आईफोन परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग आईफोन 13 या 14 लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इनमें ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ ही डिफरेंस है जो आप लोग ले सकते हो, कोई भी आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन आप लोगों को लेना है, ये आप लोगों के माइंड में डिसाइड हो जाना चाहिए। इन वाले दिन आप लोग सोचोगे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, सारा आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आप लोग सोच नहीं पाओगे। तो अभी से आप लोगों को डिस्कस कर लेना है, जिससे भी आप लोगों को पूछना है कि मुझे कौन सा आईफोन लेना चाहिए, आप लोग उसको अपने कार्ड में ऐड करके रख ले। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ोन बिकेंगे जो ट्रेंडिंग कलर्स होंगे, तो ट्रेंडिंग कलर्स आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करने हैं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि दोस्तों इतना महंगा आप लोग फ़ोन लोगे उसके पीछे आप लोग कवर लगाओगे, जाहिर सी बात है बिना कवर के आप लोग भी नहीं चलाओगे। आप लोगों को ट्रेंडिंग कलर्स नहीं लेने हैं, आप लोगों को हट के कलर लेने हैं, जो भी आप लोग मॉडल लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग आईफोन अपना परचेज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप दोस्तों, अगर आप लोगों के पास मेंबरशिप है तो सही है, अमेजोन प्राइम है तो सही है, नहीं तो दोस्तों तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परचेज कर सकते हो अपना आईफोन। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किसी अपने दोस्त को कांटेक्ट करना है जिसके पास मेंबरशिप हो, उससे आप लोगों को बोलना है अपना फ़ोन बुक करने के लिए, और आप लोगों को उसको अपना कार्ड नंबर आप लोगों को पहले से ही ऐड करा देना है। आप लोग अपना कार्ड उसमें ऐड करा दोगे तो दोस्तों जो ये प्राइम मेंबरशिप जिन्होंने ली होती है अमेजोन प्राइम या फ्लिपकार्ट प्राइम, तो दोस्तों यहाँ पे इनको एक दिन पहले ही ऑफर मिल जाते हैं सारे, और यहाँ से ये परचेज कर सकते हैं एक दिन पहले ही। तो इनको आप लोग अपना कार्ड नंबर दे के आप लोग इनसे बुक करवाने के लिए कह दें कौन सा फ़ोन आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के पास अगर मेंबरशिप नहीं है तो आप लोगों के घर में जितने भी फ़ोन हो आप लोग सबसे कहें कि आप लोगों के लिए फ़ोन बुक करें, कोई ना कोई एक फ़ोन ज़रूर बुक कर देगा। अब दोस्तों आप लोगों को इसमें पहले अपना कार्ड नंबर पहले से ऐड करके रखना है, एड्रेस आप लोगों को ऐड करके रखना है, आप लोगों को पूरा फिल करके रखना है सब कुछ, और आप लोगों को दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप लोग अपना आईफोन परचेज करना चाहते हो तो आप लोगों को COD बिल्कुल नहीं करनी, COD को बिल्कुल आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग COD करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों का प्रोडक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है और आप लोगों को खबर तक भी नहीं होती, तो आप लोग बिल्कुल COD नहीं करेंगे। और थर्ड स्टेप है दोस्तों, आप लोग जब भी अपना आईफोन परचेज करने जाएं, आप लोगों को 10 मिनट पहले अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाना है। जब दोस्तों आईफोन आने वाला हो आप लोगों को पूरा डिटेल
भर के सबमिट करके रख देना है। आप लोगों को जो भी आईफोन चाहिए आप लोगों को उसको ओपन करके रख लेना है। आप लोगों को बस बाय नाउ पे क्लिक करने के लिए आप लोगों को उस पर रहना है, एंटर रखना है। जैसे ही ये रिवील हो जाए आप लोगों का जो बिग बिलियन डे सेल आप लोगों को रात को 12 बजे अनाउंस हो जाए, वैसे ही आप लोगों को बुक कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही टाइम घटता रहेगा, 12 बजे से सुबह तक होता रहेगा, वैसे ही आईफोन के रेट बढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, आप लोगों को ये तीनों स्टेप फॉलो करना है, आप लोग एक अच्छा आईफोन एक अच्छे प्राइस पर ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है।